अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक अजीबुल असर ज़बरदस्त तिला का नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसके अंदर मेहनत वगैरह कुछ नहीं है, सारी चीज़ें तैयार मिल जाती है, खालिस बस ढूंढने की मेहनत है। आप ढूंढें और तिला बनाएं और फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, ये सवाल बार बार आता है हमारे पास में, इसलिए हमको वीडियो बनाने पड़ते हैं इसके ताल्लुक से, और बहुत सारे नुस्खे हमने मुजर्रब दिए हैं, उसको भी बनाकर फ़ायदा उठाए, लेकिन उनमें कुछ मेहनत है। एक साथी ने कहा कि भाई हम ऐसी जगह पर है कि वो जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो मिल नहीं पा रही है, और उसके अंदर मेहनत भी बहुत है, इसलिए कोई हमको आसान नुस्खा दीजिए। तो उनके लिए, हमारे साथी अगर देख रहे हो तो वो सबसे पहले एक लाइक कर दे। उनके लिए बहुत ही आसान नुस्खा खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप अतरे गुलाब, अतरे हिना, अतरे कस्तूरी और रोगन संदल, तमाम चीज़ें 12-12 ग्राम ले लीजिए। अतरे हिना, अतरे गुलाब, अतरे कस्तूरी, रोगन संदल, चारों चीज़ें बराबर वज़न या 12-12 ग्राम लेकर मिलाकर रख लीजिए। आप इसमें से 10 कतरे अजवे खास पर डालकर रात को मालिश कीजिए। 10 कतरे डालकर मालिश कीजिए। मालिश करने का तरीका पिछली वीडियोस में है और सुन लीजिए। सुपारी का हिस्सा सामने का छोड़ दीजिए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए, इसलिए कि पेशाब की नाली है, कहीं इसको नुकसान ना हो जाए, इसलिए ऊपर और दोनों साइडों में और जड़ पर मालिश करें, सामने का हिस्सा और नीचे का हिस्सा छोड़ दें। रात को मालिश कीजिए, सुबह हल्के गर्म पानी से धो लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़वे ख़ास का दुबलापन ख़त्म होगा, मोटा हो जाएगा, लंबा भी होगा, नसें वगैरह खुल जाएगी, सख्ती भी इसके अंदर आ जाएगी। नाज़रीन, इसी पर इक्तफा करते हैं। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। थैंक्स फॉर वाचिंग। हुकमा के आसान नुस्खे, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत की काविश अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में दुआया जुमला लिखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।